हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हूँ, बट बहुत ज्यादा ठंड है। अभी ठंड के चलते हालत खराब, एकदम काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा किचन में जाके काम किए थे तो हाथ एकदम जम गया है ठंडा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज, बट क्या शेयर करने वाली हूँ? कुछ नहीं, एक ही चीज मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। एक्चुअली पहले वो चीज मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, बट वो खराब आया था तो मैंने उसको चेंज करके मतलब एक्सचेंज किया तो वो चीज लेके गया था, फिर दोबारा मुझे नया देके गया। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज क्या चीज है। बट सबसे पहले मैं अपनी कॉफी को फिनिश करूं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, सब चीज इतनी जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है कि मत पूछो। मतलब पलक झपकते खाना ठंडा, और गर्मी के मौसम में पंखा चला कर बैठ जाते हैं फिर भी ठंडा नहीं होता है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ठंड में जानते ही हैं, शाम ढलते ढलते चाय कॉफी पीने का मन होता है। तो वही मैं अपने लिए थोड़ा सा कॉफी बनाई हूँ, ठंडी में कॉफी बहुत अच्छा लगता है, चाय भी अच्छा लगता है, बट कॉफी मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया। और दो रुपए वाले जो पाउच आता है ना नेस्कैफे का, मैं वो खरीद के रखती हूँ, तो वही मैंने एक पाउच से कॉफी बनाया। कॉफी मैं थोड़ा सा स्ट्रांग पीती हूँ, बट यहाँ पे देखिए व्हाइट हो गया है क्योंकि सिर्फ दूध है, पानी इसमें है नहीं। और कॉफी मैंने 2 रुपए वाला पाउच ना एक दिया है, इसी वजह से कलर नहीं आया। 2 पाउच देना था बट घर पे है नहीं तो मैंने एक ही पाउच से बनाया। तो चलिए चाय पीते पीते आप लोग को बता देते हैं कि मैंने क्या लिया है दोबारा से। इतना एक बड़ा सा बॉक्स आया है। कट करती हूँ, ये देखिए, ये है एक वेट मशीन, डिजिटल वेट मशीन, जो घर पे रहना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत ज्यादा सब कोई वेट गेन करते हैं ना, तो डेली डेली बाहर जाके वेट अपना देखना पॉसिबल नहीं है। को इसीलिए मैंने घर पे एक ऑर्डर किया था, बट वो है ना बहुत उल्टा पुल्टा दिखा रहा है। मतलब कभी दिखाता है 40, कभी 45। मतलब मेरा वेट 45 तो कभी था ही नहीं और ना कभी हो पाएगा। मैं तो लास्ट डे बिल्कुल चौंक गई, क्या बात है। बट तब जाके लास्ट में पता चला, बार बार चेक कर रही हूँ, तब जाके पता चला कि ये खराब है, कभी 40 और 45 बता रहा है। तो ये रहा मशीन, सेम चीज मैंने लिया था, ठीक है, तो किसी वजह से वो खराब निकल गया तो एक्सचेंज करके मैंने लिया ये वाला। इसको फिर से ट्राई करना है, पता नहीं ये कैसा आया है। बैटरी लगाने वाला जगह है, लगाते हैं बैटरी। उन्होंने साथ में दे ही दिया है एवरेडी का, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा। बस लगा दिए, और बटन कहाँ पे है? यहां पे है। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। अब बाबा पता नहीं क्या हुआ, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। कॉफी ठंडी हो जाएगी।
इतने जल्दी जल्दी कॉफी पिए, देखें अभी गर्म था अभी ठंडा हो गया, और ये पता नहीं क्या हुआ ऑन ही नहीं हो रहा है। बैटरी को निकाल के देखते हैं। क्या झमेला है बोलो। क्या ये सब चीज है, दुकान से जाके लेना चाहिए, ऑनलाइन तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये है इसका स्क्रीन, ठीक है, ऑन होता है ना तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, पता चलता है कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं बैटरी सही है या नहीं। तो सही लगाया मैंने, अब जाके हुआ सी ऑन हुआ, 0-0 आया। अब मुझे देखना है मेरा वजन कितना है, आप लोग को भी दिखाती हूँ, एक मिनट लाइव दिखाऊंगी। ये सेकेंड टाइम मैं देख रही हूँ, कितना दिखाते हैं देखते हैं। 73 कम हो गया कैसे? अच्छा चलिए, ये हुआ थर्ड टाइम, देखो एक बार दिखाया 74 बाकी 73, मतलब मैं 3 kg बढ़ चुकी हूँ। देखा आप लोगों ने, मैंने लाइव दिखाया आपको। ये मशीन वैसे तो सही है बट पता नहीं क्यों अभी तो दिखा रहा है सही, बट कुछ दिनों के बाद फिर ये गड़बड़ स्टार्ट कर देता है, जैसा फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, उल्टा पुल्टा दिखाने लग गया था। अभी तो ऑन हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम दिखाया 74 kg समथिंग, उसके बाद मैंने और दो बार ट्राई किया तो 73.175 समथिंग कुछ दिखाया, तो 73-74 के अंदर ही है मेरा वेट, जो पहले था 70, मतलब 3 kg बढ़ चुका है। इसको वेट कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, मेरे से भाई नहीं हो पाता, इतना मुश्किल होता है ना एक्सरसाइज करने का, टाइम नहीं मिलता है, और टाइम जब मिलता है तो इतनी थकी हुई रहती हूँ ना कि एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी नहीं बचता है, ये कोई समझता ही नहीं है, सब डांटते रहते हैं एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, बट ये नहीं समझते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, जो दूसरे काम करते करते एनर्जी मेरा खत्म हो जाता है, जब लास्ट में जब रेस्ट लेने आती हूँ ना तब एकदम इतना थकी हुई रहती हूँ तो हिलने डुलने का नाम नहीं लेते, मतलब मन ही नहीं करता कि हिलो डुलो, एक जगह लेती रहूं चुपचाप। उस समय अगर हेवी एक्सरसाइज बोलेंगे करने के लिए तो एक चिड़चिड़ापन लगता है, क्योंकि एनर्जी तो है नहीं, कहाँ से एक्सरसाइज करूं। और खाना पीना तो बहुत कुछ मैं परहेज करती हूँ, बहुत कुछ मैंने खाना छोड़ दिया है, कम लिमिट में खाती हूँ। ये जो अभी आप लोग बोलोगे कि चिप्स खा रही हो, नहीं चिप्स भी बहुत रेयर खाती हूँ और इतना सा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर चिप्स खाती हूँ, ऐसे भी नहीं है, कभी कभार मन होता है तो खा लेती हूँ थोड़ा सा, तो ठीक है क्या करें, जितना कम होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक के लिए टाटा।